हाय फ्रेंड, मेरा नाम है टेकनूर। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप टिकटॉक जैसे ऐप्स को अपडेट कर सकते हो। आपने खुद ही अपडेट कर सकते हो, अपने खुद अगर आपके पास सोर्स कोड है तो खुद ही आप अपडेट कर सकते हो, जो जिस तरह से कर सकते हो मैं आपको फुल्ली डिस्कस करने वाला हूँ और लाइव दिखाने भी वाला हूँ। ठीक है जी, किस तरह से आप ये सब कुछ कर सकते हो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा आज। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट से देख लेना, स्टार्ट से लास्ट तक देख लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं वो बिल्कुल फ्री में है और पेड की तरह ही देते हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो आप देख सकते हो और इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना अगर आपने टिकटॉक जैसी ऐप्स करने के लिए सोच रहा हो या करके ही बैठा हो, लेकिन इसको अपडेट करना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ऐप्स को अपडेट लाना 100% ही ज़रूरी है। देख लीजिए किस तरह से अपडेट वर्जन हम इसको कर सकते हो और प्ले स्टोर में डाल सकती है। तो आपको यह पर सिंपली आपको दिखाई देगा, ऐप्स के अंदर आने के बाद आपको इस तरह से होगा। देन आपको ऐप्स के अंदर आ जाना है, आपको ऐप्स के अंदर आ जाना है। ऐप्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर जावा फोल्डर है, तो आपको दिखाई देगा com.tiktokindia.app। तो ये जो पैकेज नेम है, तो आपका पैकेज नेम सेम ही होना चाहिए जो आपने अपडेट किया है और पब्लिश किया है प्ले स्टोर में, वो सेम ही होना चाहिए। इस आप मेरा कर्सर पर देख रहे हो। ठीक है, इसको आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो और एक जावा फोल्डर है। जावा फोल्डर आने के बाद आपको सिंपली बिल कॉन्फिग पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर वर्जन कोड चेंज करना है। वर्जन कोड आपने पहले अगर एक बार अपडेट कर दिया है तो आपका यहाँ पर वर्जन कोड 2 होगा, और जितना बार अपडेट किया है उतना बार, समझ लो आपने 2 बार अपडेट पब्लिश्ड अपडेट किया है तो 2, ये इसका मतलब यहाँ पर 3 होगा। अगर पहले बार किया है और इसको दोबारा है तो एक्चुअली 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वर्जन जो नेम है वो अगर 1. जो पहले बार कोई आदमी प्ले स्टोर में पब्लिश करता है तो ये है 1.0। ठीक है, एंड अगर दूसरी बार करोगे तो 1.1, एंड तीसरी बार करोगे तो 2, एंड चौथी बार करोगे तो 3, और फिफ्थ बार करोगे तो 4। तो इस तरह से आपको मैं इसको 1.1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक बार अपडेट किया हूँ, उसके बाद ये अपडेट में लाना चाहते हो तो इससे लिए 1.1 कर देता हूँ। और मैंने पहले 1 था, मैं 2 कर दिया क्योंकि ये दोबारा अपडेट कर रहा हूँ मैं वर्जन को। एंड सिंपली उसको आने के बाद, ठीक है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको और एक जगह पर आपको चेंज करना है, जो चेंज करने नहीं है आपको मैं लास्ट में दिखा देता हूँ आपको। वो आपका जो ग्रिल स्क्रिप्ट है इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बिल्ड जो ये जो मॉड्यूल ऐप्स है, या पर जो आप मेरे कर्सर पर देख रही हो, जो 2 नंबर पर build.grid.module.app ब्रैकेट में लिखा है, इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर क्लिक करने पर आप यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इस जो वर्जन है, जो वर्जन कोड है, इसको भी चेंज करना है सेम तरीके से, क्योंकि हम दोबारा अपलोड करता हूँ इसलिए 2। अगर मैं 3 बार अपलोड करूँगा वहाँ पर जो अपडेट वर्जन करूँगा तो यहाँ पर 3, या 4 बार करूँगा तो 4। जितनी बार आप करोगे या वर्जन कोड उतनी हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। एंड वर्जन नेम आप आपका खुद खुशी से दे सकते हो, जैसे आपने पहली बार किया हो तो 1.0 ही रख लीजिए, और अगर आपने दूसरी बार किया हो तो आपने 1.1 और तीसरी बार 1.2 इस तरह से रख लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर सेम तरीके से 1.1 रख लूँगा क्योंकि मैंने इसको पहली बार ही अपडेट करूँगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं अपडेट अगर करना है तो ये तो हो गया प्ले स्टोर का अपडेट। वर्जन जो प्ले स्टोर हमको परमिशन दे देगा अपडेट वर्जन के लिए। और मैं आपको और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो किस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक XML फाइल मिल जाएगा, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो आपको सिंपली ये नीचे आ जाना है एंड आपको यहाँ पर जो रेस दिख रहा है आपको जो सिलेक्ट ऑप्शन मेरा सिलेक्ट करके रखा है आप देख सकते हो, इसको ही आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है एवं नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा XML फाइल, इसका ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी XML है आप इसको देख सकते हो, जो आपका फाइल पाथ है, जो पिक्चर पाथ है वो ए पिक्चर पाथ है, आप इधर से पिक्चर भी चेंज कर सकते हो या आपका मर्जी है, आपका नेटवर्क जो भी सिक्योरिटी है यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। और आपको जो भी है मैं आपको दिखाने देता हूँ, आपको आप यहाँ से भी अपना जो वैल्यू XML है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, अपना गूगल API की यहाँ पर है, ठीक है, आपका एप्स ID यहाँ पर है और आपका जो भी प्रोजेक्ट ID जो भी है यहाँ पर ही आपका है। ये है आपका फायरबेस से या दूसरी से आपका लिंक जो भी है ये यहाँ पर ही आपका मैक्सिमम ट्रांसलेबल है, ठीक है। आप इसे अब वैल्यू डॉट XML कर कुछ टच करना बेहतर नहीं है अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो तो, अगर आप खुद समथिंग जानते हो तो आप इसको टच कर सकते हो। और आपका वैल्यू आपका सेटिंग आप चेंज कर सकते हो जो भी है, क्योंकि यहाँ पर जो एड्स है इस एड्स को आप भी अपडेट कर सकते हो, फेसबुक लॉगिंग भी है यहाँ पर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने खुद की तरफ से, ठीक है। मैं आपको सिंपली अपडेट किस तरह से करने है वो दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। या पर क्योंकि बहुत सारे बंदा है मुझे पूछा था कि भाई अपडेट किस तरह से कर लेनी है, तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ आपको इस तरह से अपडेट कर लेनी है। एंड आपको जो मेन पार्ट दिखाने वाला हूँ वो है ड्राइवेल, आपका इंटरफेस आप खुद ही चेंज कर सकते हो आपका इंटरफेस। आपको सिंपली ड्राइवेल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेस का ऊपर जाने के बाद ड्राइवेल पर ऊपर क्लिक करना है। ड्राइवेल पर ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी है यहाँ पर आपका जो भी लोगो है ये लोगो का PNG फाइल है आपका, ठीक है। आपका लेआउट जो भी है यहाँ पर लेआउट भी है आपका XML लेआउट। तो लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर आप खुद ही जो कुछ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है होम का जो पहले इंडेक्स जो भी है उस इंडेक्स के ही आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इंडेक्स लिखा जहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होम ये जो है ए लेआउट है होम का, तो आप इसको देख सकते हो होम लेआउट यहाँ पर ओपन हो रहा है। और जहाँ पर रिसेंट और पॉपुलर ऑप्शन है इसको भी चेंज कर सकते हो आप, तुमने कोई बात नहीं। और प्ले स्टोर पे अपडेट करने के लिए मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ जिस तरह से आपको प्ले स्टोर में अपडेट का जो भी वर्जन कोड चेंज करना है इस तरह से। तो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है इसीलिए मैं इसको थोड़ी टाइम पॉज करती हूँ, ठीक है। तो इसको वेट फॉर बिल्ड फॉर फिनिश इसको होने देती हूँ और मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यह पर जो भी है ये जो भी है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यह पर आपका प्रोफाइल शो हो रहा है, यह पर एक बटन है नीचे पर, और इस तरह से जो बटन है आप चेंज कर सकते हो इसका इसका आप आइटम होम डॉट लेआउट इसका जिस तरह से आप समझ लो। मैं इसको यहाँ पर लगाने चाहता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर लगाना चाहते हो तो ये यहाँ पर लग जाएगा। देख सकते हो ये कन्नर पर आ चुका है ये बंदा, ठीक है। इसको आप जो मर्जी कर सकते हो, आपका ही मर्जी है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको ले खुद कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसको लेकर यहाँ पर छोड़ दो सिंपली बस। इसको एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसका मैच नहीं कर रहा था। ओके ये आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर ये बंदा। तो इस तरह का से आपको लेनी है, आपको इसको जो भी करना है आप इस तरह से कर सकते हो, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी यहाँ पर आपको शो कर लेनी है तो आपको इसको क्लिक करो और यहाँ पर आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो इसको भी हटा देता हूँ मैं,
तो ये देख सकते हो, ये सब कुछ हो गया है। तो इस तरह से आप इस इंटरफेस को देख देख के आपको आप खुद से ही आप अपना जो भी होम पेज या प्रोफाइल पेज और जो भी पेज है आप खुद ही डिजाइन कर सकते हो इस तरह का करके। आप जिस तरह से आपने मैं ये बाद में ठीक कर लूँगा, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से कर। ये है नोटिफिकेशन, ये है और प्रोफाइल जो भी है, पहले मैं प्रोफाइल था डॉट एक्स एम एल में जो भी है, जो एक्टिविटी चैट है, जो गैलरी है, जो लॉगिन ऑप्शन है, उसको भी आप इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो वीडियो पोस्ट कर रहा है वो भी आप जो भी है यहाँ पर आप देख देख कर आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोफाइल जो भी है, ये प्रोफाइल है, मैं प्रोफाइल को भी आपको दिखाने वाला हूँ। जो मैन का प्रोफाइल होता है, देखिए अब इस तरह से प्रोफाइल है, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। और देखिए ये नेम है, ये जो भी है आप इसको इस तरह से कर सकती हो। ठीक है, तो आप इसको खुद ही आप डिजाइन कर सकते हो अपना खुद, अगर आप चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर इंटरफेस भी चेंज कर सकते हो और सब कुछ चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो थैंक यू। आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। लाइक कर देने में हम लोगों का बहुत खुशी मिलता है कि किसी यूट्यूबर का, तो लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। आप अगर नया नया कुछ सीखना चाहते हो तो और आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।